देखिए, कल हमारे प्रदेश के देवतुल्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो पूर्व न्याय मंत्री थे, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और उसका जवाब इस लड़के ने उन्हीं की भाषा में दिया, उनके मुंह पर कालिक पोत करके। तो मैंने इसको सोचा कि आज 51,000 रुपये देकर के सम्मानित किया जाए, क्योंकि मैं जानता था कि इनका स्याही फेंकने से इसका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और जो वो मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे, ऐसे विशुद्ध संत के रूप में उनकी उन्होंने जो है अभद्रतापूर्वक टिप्पणी की, उसका उनको दंड भी मिल गया। तो हमने सोचा कि इसको कम से कम सम्मानित किया जाए कि रायबरेली में चूँकि घटना हुई थी, तो रायबरेली के किसने सम्मान बचाया, पूरे हिंदू समाज के बचाया, और ऐसे ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री के साथ जो उन्होंने अभद्रता की थी, उसका उनको फल भी मिला। सोमनाथ भारती जो है परम पूज महाराज महंत योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको लेकर हम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था। हम इंदू यावानी जिला संयोजक होने के नाते महाराज जी हमारे संरक्षक हैं, हम कदापि उनकी इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाए, हमने उनके ऊपर स्याही फेंकी, उनका मुंह काला किया। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, अतुल नहीं बुलाए योगी की मौत सुनिश्चित है, आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, भगाएं आप उनको, और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सब आप लोगों की मिली भगत है, समझ गए ना आप लोगों ने, आप समझ लीजिए यही काम करवा रहे हैं आप। अब तो जाने दीजिए, जो करवाना चाहिए ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल नहीं बुलाए योगी की मौत सुनिश्चित है, आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, भगाएं आप उनको, और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सब आप लोगों की मिली भगत है, समझ गए ना आप लोगों ने, आप समझ लीजिए यही काम कर